कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कल एक ट्वीट किया जो बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और अभद्र ट्वीट था। उस ट्वीट में पंकज पुनिया ने न तो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि साथ ही साथ समस्त हिंदू समाज के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और काफी अभद्र टिप्पणियां की। एक हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं पंकज पुनिया के इस ट्वीट से बुरी तरह से हाथ हुई हैं और इसीलिए आज सुबह मैंने कौशाम्बी थाना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पंकज पुनिया के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि पंकज पुनिया का ये जो ट्वीट है इसमें न तो सिर्फ माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ हिंदू समाज की भावनाएं आहत करने का काम किया गया है, धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई है, समाज में कहीं ना कहीं एक तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है, और इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए पंकज पुनिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR रजिस्टर होनी चाहिए, IPC और अन्य एक्ट्स के कड़े से कड़े प्रावधानों में उसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और निश्चित तौर पे एक सजा दिलवाने का काम पुलिस द्वारा इसमें होना चाहिए। पुलिस के द्वारा मुझे ये आश्वस्त किया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मेरी शिकायत का संज्ञान लिया है, उसे एक्सेप्ट किया है और मुझे आश्वस्त किया गया है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई पंकज पुनिया के खिलाफ ली जाएगी। लेकिन अगर कहीं भी मुझे लगता है कि इस मामले में कोई कमी रह गई है पुलिस की कार्रवाई में, तो निश्चित तौर पर एक वकील होने के नाते मैं इस मामले को लेकर कोर्ट भी जाऊंगा और हिंदू होने के नाते हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ निश्चित तौर पर मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।